जस्ट नाउ हम एक कंप्लेंट लिए सैयद अजीम बोल के कंप्लेंट दिए है. इसमें क्या है बोले तो हमारा एमपी साहब हैदराबाद एमपी साहब का फोटो थोड़ा अनवांटेड पिक्स उसमें फेसबुक में सम अरुण कुमार बोल के वन पर्सन वो फेसबुक में पोस्ट किया था. वो फेसबुक में जाके पूरा उसका फ्रेंड्स ग्रुप में उधर इधर वो वायरल हो गए. इसके बारे में अभी मैं कंप्लेंट रिसीव किया. ये कंप्लेंट के इंग्रेडिएंट के हिसाब से दिस पिक इज अब्यूजिव थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है. इसमें थोड़ा रिलीजियस का भी मसला है. ये इसके बारे में हम इमीडिएट एक्शन के लिए ऑलरेडी एक टीम बना के उसको पकड़ने के लिए भेज दिया है. उसको इमीडिएटली वी विल कैच हिम एंड वी विल वेरीफाई दैट हाउ ही वाज सेंट दिस पिक थ्रू फेसबुक एंड हाउ वेदर ही रिसीव्ड बाय समबडी और ही क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ एंड वी विल वेरीफाई ऑल द थिंग्स एंड आफ्टर गेटिंग फुल डिटेल्स विल रिमांड हिम इमीडिएटली. इमीडिएटली अभी पूरे सेक्शंस में 153A आईपीसी एंड आईटी सेक्शंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके पूरा कोसा कोसा सेक्शंस आ रहे हैं. उसमें केस इमीडिएटली अब रजिस्टर कर रहे हैं. उसके बारे में हम इमीडिएटली उसको पकड़ने के बाद इमीडिएटली रिमांड. बच्चे का नाम क्या है सर? नाम क्या है सर? उसका नाम अरुण कुमार बोल के नाम उसमें है. ये लोकल पहाड़ी शरीफ में रहता बोल के एड्रेस दिया है. वो उसको पकड़ने के लिए ऑलरेडी टीम इज ऑन द जॉब. कितने लोग हैं सर टोटल? ये वो उसमें एक उसका फेसबुक में उन पोस्ट किया उसको एक संतोष कुमार संतोष बोल के उन कमेंट किया बोल के है. इट इज क्रिएटिंग टू डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी. दैट्स व्हाई वी विल टेक एक्शन इमीडिएटली एंड वी आर आल्सो इन्फॉर्म्ड टू साइबर क्राइम पुलिस टू गेट द डिटेल्स. वी आर आल्सो इन्फॉर्म्ड टू ऑल सीनियर ऑफिसर्स आल्सो. वी विल टेक इमीडिएट एक्शन. इसके बारे में हम अपील कर रहे हैं कंप्लेंट को और हमारा लोकल लीडर्स को. विल जरूरी एक्शन लेंगे आपके साथ रहेंगे. ये बिल्कुल इधर पहाड़ी शरीफ में विल मेंटेन लॉ ऑर्डर स्ट्रिक्टली. विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दी इलीगल पीपल. ओके थैंक यू सर. मैं स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम. जलपल्ली म्यूनसिपालिटी पहाड़ी शरीफ एरिया से कुछ आरएसएस के लोग अरुण कुमार और संतोष कुमार दोनों ने यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर मोहतरम की बेहरमती की. उस पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जलपा और एमपीटीसी के साथ पहाड़ी शरीफ पीएस आए और सर्कल साहब से मुतालबा रखे इस पर फौरन एक्शन होना और जो है एफआईआर होना. और हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं. इस पर पुरजोर मजम्मत के साथ हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं. लेकिन हमारे सर्कल साहब ने इस पे बताया कि इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा. कुछ धरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसका मकसद ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा है. गंगा जमुना तहजीब है पहले से. माहौल हिंदू मुस्लिम हर कोई मिलके रहते हैं यहाँ पर. तो माहौल ख़राब करने का बिल्कुल इरादा है. उसको हम पूरा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला. और हमारे यहाँ से मुकामी जो लोग हैं ये लोग पत्थर पड़ने वाले हैं. इनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है. जो लोग हैं संतोष कुमार अरुण कुमार ये कम उम्र बच्चे हैं और उनके दिलों में जहनों में तासुब भरा जा रहा है. जिस पर इस मौके पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी कुछ बोलेंगे. आप लोग सुनिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जय ग्यारह. जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बेरहमती जो कर रहे हैं बच्चे अरुण कुमार और संतोष कुमार. ये बच्चे पहाड़ी शरीफ यहाँ के जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से रहने वाले हैं. ये बच्चों को ये दूसरे कोई आरएसएस वाले उड़ा रहे हैं ये डालने के. ये इस पर फेसबुक पे जो अपलोड करे हैं ये बहुत गलत है. यहाँ पर इन लोगों की चलने वाली नहीं है. जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि पहाड़ी शरीफ आजकल का नहीं है. ये 400 साल से पहाड़ी शरीफ में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं. जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में यहाँ पर पूरे म्यूनसिपालिटी के चारों गाँव में पूरे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं. और यहाँ पर इससे पहले भी चार पांच कैंडिडेट एमआईएम से यहाँ पर कॉन्टेस्ट करे हुए हैं.
ये हमारी जमात से कॉन्टेस्ट करे हुए हैं और एमआईएम से जीते हुए कैंडिडेट जीते हुए भी हैं। इससे पहले हिंदू कैंडिडेट जीते हुए हैं, वार्ड मेंबर जीते हुए हैं और एमपीटीसी के लिए भी यहाँ पर और सरपंच के लिए भी हमारे यहाँ से ऑलरेडी कैंडिडेटों में दिए थे। लेकिन इस तरह से जो बच्चे यहाँ पर सरपसंद जो है और बजरंग दल आरएसएस ये इन लोगों की चलने वाली नहीं है। हमारे गंगा जमुना तहजीब को यहाँ पर ख़राब करने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए ये अपलोड करे हैं। इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर सर्कल साहब ने हमें तौकीन दिया है, इन बच्चों को उठा कर लाकर केस बुक करेंगे, एफआईआर करेंगे और इनको जब तक जेल नहीं भी जाएंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह आगे भी अगर ऐसा कोई अगर करेगा और हमारा कोई मुस्लिम भाई भी अगर ऐसा करेगा तो ये भी गलत है और कोई हिंदू भी कर रहा था ये भी गलत है, क्योंकि किसी के सदर को और किसी के बड़े आदमी पर ऐसा करना बहुत गलत है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब और एमएलए पाजा साहब की हिदायत पर आकर यहाँ पर कंप्लेंट करें हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द केस बुक भी हो जाएंगे। संतोष कुमार।